लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। कॉलोनी नंबर 4 की रहने वाली एक युवती की मौत हो गई। घटना वीरवार सुबह की है, जब मां को पता चला कि उनकी बेटी GMSH 16 में मॉर्चरी में है और जहर निगलने के कारण उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद मां ने शिकायत पुलिस को दी और केस दर्ज किया गया। मामले में इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 19 साल की सिमरन के रूप में हुई है। बताया गया कि सिमरन ने एक साल पहले कॉलोनी नंबर 4 के रहने वाले अमित के साथ शादी की थी। पिछले करीब 6 महीने से उनकी बेटी के साथ अमित और उसके घर वाले मारपीट व दहेज की मांग करते थे। आपको बता दें कि सिमरन के परिजनों ने सिमरन की मौत का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। नेशनल बस की टीम से बातचीत दौरान सिमरन के पिता कृष्णा ने बताया कि इन्होंने लड़की को 24 घंटा पहले इन्होंने दवाई खिला के इन्होंने मार के घर में रखा था। ये शादी हुई थी सर एक साल पहले। 6 महीने के बाद अपना वो अपना प्रसन्न मांग करने लगे, उसे टोचन देने लगे और टोचन देने के बाद सर उसको बार बार बोले का कि वो भी मेरे लड़की को और मेरी जनानी को कि आप घर से 1,00,000 रुपया और एक बुलेट लेके आओ, बाइक तेरे को छोड़ देंगे, जो तेरी दूसरी लड़की हुई है ना तो इसे भी हम मार देंगे, हम इसे कहाँ से खिलाएंगे। हमारे से पहले ले जाके लाश को 32 में मेडिकल करवा दिया और मेडिकल करवाने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम भी करा दिया था और उसके बाद हमारे को किसी ने आम जनता के सामने हमारे को ये बोला गया आम जनता के सामने कि तेरे बेटी मर गई है। हम उसके बाद हम थाने पे गए SHO साहब के पास, हमने ये खबर दिया। SHO साहब कह रहे हैं कि पहले तूने ये काम क्यों नहीं किया। हम कह रहे हैं SHO साहब हम ये काम पहले कैसे कर सकते हैं, जब हमारी बेटी हमारी जनानी से और हमारी बेटी से बोलती थी तो अभी 21 तारीख को दुर्गा पूजा में उन्होंने यहाँ पर मारपीट किया था जैसे बियर फोड़ के, उसमें भी हमारी बेटी ने बड़ी वाली ने सिमरन उसने ये बोली थी कि सिमरन की अभी सुधर जा और अच्छा हो जा और घर हम कहीं और बसा लेते नहीं तो हम उस टाइम भी मर जाते। तो ये कह रहा कि 5-6 हमारे पे केस है और एक मर जाएगी तो और केस एक मेरा भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 24 घंटा सर हमारे को नहीं पता चला था, हमें चला था 10 बजे रात से लेके पूरा दिन तक। पुलिस करवाई अभी 4 बज के 5 बजे तक अभी करवाई हुई हमारी 6 बजे तक। उसमें मेरे को पहले धमकी दे रहे थे SHO साहब और पवन जी, ये हेडक्वार्टर जी, हाँ थाने में पहले हमारे को भगाया जा रहा था, फिर नाराबाजी करिया, उसके बाद सर इन्होंने तब जाके आगे करवाई लिखी। हमें इंसाफ चाहिए सर, हम गरीब आदमी हैं, हम उतना कहाँ से कुछ पैसा दे सकते हैं, हमारे पास उतना औकात नहीं है जी। और मैं यही कहूँगा, प्रार्थना करूँगा कि सर एक ये आगे आगे से आगे करवाई किया जाए। लड़का घूमता है जी, मारता पीटता है और पैसा छीन के खाता है। हाँ इसे बहुत 4-5 पहले केस है जी थाने के अंदर। सिमरन की सिस्टर हूँ, वो ना अमित धमकी देता था मेरी बहन को, टॉर्चर करता था हर बात पे, धमकी देता था, वो जान बुझ के मारा है, पैसे मांग धमकी देता था, बोलता था चाहिए ये 1,00,000 रुपए मांग रहे और बुलेट। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्य की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।